एससीओ के विदेश मंत्रियों के आज से दो दिन की बैठक, चीन और रूस के साथ भारत ने की द्विपक्षीय वार्ता। एससीओ बैठक में शामिल होने भारत पहुंचे पाकिस्तानी विदेश मंत्री शहबाज ने कहा, शांति और स्थिरता के लिए प्रतिबद्ध। पाकिस्तान के विदेश मंत्री ने जारी किया वीडियो, कहा मित्र देशों से सकारात्मक बातचीत की उम्मीद। गैंगस्टर टिल्लू के मर्डर का वीडियो आया सामने, आरोपियों ने टिल्लू पर चाकू से किया ताबड़तोड़ वार। एसटीएफ की मुठभेड़ में मारा गया गैंगस्टर अनिल दुजाना, दुजाना के खिलाफ दर्ज थे 50 से ज्यादा केस। गैंगस्टर दुजाना के एनकाउंटर के बाद सीएम योगी का बयान, बोले यूपी में माफिया को पना नहीं। मणिपुर में भारी हिंसा के बाद सरकार ने दंगाइयों को देखते ही गोली मारने का दिया आदेश। मैतेई समुदाय की मांग के खिलाफ मणिपुर में भारी हिंसा, 8 जिलों में धारा 144 लागू। मणिपुर के लिए रवाना हुई सीआरपीएफ की टीम, भारतीय वायुसेना टीम को लेकर हुई रवाना। सुप्रीम कोर्ट में पहलवानों की याचिका पर रोक, सीजीआई ने हाईकोर्ट जाने को कहा। मणिपुर हिंसा पर मैरीकॉम की अपील, राज्य और केंद्र सरकार से राज्य में सुरक्षा बनाए रखने की अपील। सिंधु बॉर्डर पर किसानों को पुलिस ने रोका, हिरासत में लिए गए कई प्रदर्शनकारी। दिल्ली के बॉर्डर पर पुलिस अलर्ट, सूत्रों के मुताबिक पहलवानों को दिल्ली में एंट्री नहीं देने का निर्देश। सिंधु बॉर्डर से पुलिस ने गीता फोगाट को हिरासत में लिया, पुलिस को जंतर मंतर पर प्रदर्शन में शामिल होने की थी आशंका। सिंधु बॉर्डर पर भारी पुलिस बल तैनात, हरियाणा पंजाब चंडीगढ़ से आने वाले वाहनों की चेकिंग जारी। कांग्रेस ने चुनाव आयोग से की पीएम मोदी की शिकायत, रैली में देवी देवताओं के नाम के इस्तेमाल को लेकर शिकायत। कर्नाटक में प्रियंका गांधी ने की जनसभा, का भ्रष्ट सरकार भ्रष्ट नीतियां बना रही है। कर्नाटक के एक प्राचीन मंदिर पहुंची प्रियंका गांधी, प्रियंका ने मंदिर में किए दर्शन। बजरंग दल बैन विवाद ने पकड़ा तूल, कलबुर्गी में बीजेपी ने जलाया कांग्रेस का घोषणा पत्र। कर्नाटक में सड़कों पर उतरा बजरंग दल, बेंगलुरु में कार्यकर्ताओं ने किया हनुमान चालीसा का पाठ। कर्नाटक चुनाव में टीपू फिल्म विवाद, फिल्मकार संदीप सिंह ने कहा मैसूर के राजा की हकीकत सामने लाएंगे। अमृतपाल से मिलने पहुंची पत्नी किरण, दीप कौर डिब्रूगढ़ जेल में हुई मुलाकात। बिहार में जाति जनगणना पर पटना हाईकोर्ट ने लगाई रोक, 3 जुलाई को होगी सुनवाई। यूपी निकाय चुनाव में फर्जी वोटिंग के बाद हिंसा, अमरोहा में पथराव, जालौन में फर्जी वोटिंग के बाद हंगामा। एनसीपी कार्यकर्ता ने शरद पवार को मनाने के लिए खून से लिखा खत, इस्तीफा वापस लेने की अपील। द केरल स्टोरी फिल्म पर बैन याचिका को मद्रास हाईकोर्ट ने किया खारिज, एससी ने भी रोक लगाने पर किया इनकार। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में सेना का हेलीकॉप्टर क्रैश, पायलट समेत 2 घायल। ग्लेशियर टूटने से केदारनाथ यात्रा मार्ग पर आवाजाही बंद, श्रद्धालुओं से एहतियात बरतने की अपील। दिल्ली में आज न्यूनतम तापमान 16 डिग्री सेल्सियस दर्ज, कई इलाकों में सुबह घना कोहरा छाया। दिल्ली आने के दौरान यूट्यूबर अगस्त चौहान की सड़क हादसे में मौत, डिवाइडर से टकराई बाइक। नोएडा में नौकरी के नाम पर ठगी करने वाले गैंग का खुलासा, 4 आरोपी गिरफ्तार। दिवालिया होने की कगार पर गो फर्स्ट एयरलाइंस, 9 मई तक विमान सेवाएं रद्द। फरीदाबाद में पलटा गैस सिलेंडर से भरा ट्रक, पुलिस ने ड्राइवर और कंडक्टर को बचाया। बालोद में ट्रक और कार की टक्कर, 10 लोगों की मौत, एक बच्चे की हालत गंभीर। अंबाला में महिला के साथ चेन स्नेचिंग की घटना, आरोपी की तलाश जारी। मेरठ में वोटरों को लुभाने के लिए बनवाई गई बिरयानी, बिरयानी कम पड़ने पर लोगों ने मचाई लूट। करनाल में कचरे के ढेर में मिले हजारों आयुष्मान कार्ड, अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई का आदेश। रूस के राष्ट्रपति भवन पर ड्रोन हमले पर रूस का बयान, कहा पुतिन पर हमले के पीछे अमेरिका की साजिश। ड्रोन हमले के बाद रूसी एक्सपर्ट का बयान, कहा क्रेमलिन पर खुद ही अटैक कराने का शक। नीदरलैंड्स पहुंचे जेलेंस्की, पीएम मार्क रट और आईसीसी के अधिकारियों से की मुलाकात। रूस और यूक्रेन के मंत्री करेंगे मुलाकात, ब्लैक सी ग्रेन डील को लेकर होगी चर्चा। रूस को यूक्रेन के कलाकारों ने दिया संदेश, पेंटिंग के जरिए रूस को लगाई लताड़।
युद्ध को लेकर अमेरिका का ऐलान, यूक्रेन को और हथियार भेजेगा अमेरिका। चीन के अटैक से बचने के लिए ताइवान की तैयारी, नागरिकों को दी जा रही है विशेष ट्रेनिंग। इसराइल में प्रदर्शनकारियों ने किया सड़क जाम, पीएम नेतन्याहू के खिलाफ लोगों ने किया प्रदर्शन। रवांडा में बाढ़ और भूस्खलन से 130 से ज्यादा लोगों की मौत, सैकड़ों लोग बेघर। गूगल ने वेरीफाइड जीमेल अकाउंट्स को ब्लू टिक देने का किया फैसला, फर्जी ईमेल की पहचान में होगी आसानी। व्हाइट हाउस के बाहर जमा हुए लोग, बाइडेन से की विदेश में हिरासत में लिए गए परिजनों को स्वदेश लाने की मांग। अमेरिका ने आरएसवी वैक्सीन को दी मंजूरी, बुजुर्गों को दी जाएगी वैक्सीन। पेरू के राष्ट्रपति से मिले जापान के विदेश मंत्री, आर्थिक संबंध मजबूत करने को लेकर हुई चर्चा। Zee News.